वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक एंड कोड। इस वीडियो में हम सेंसर क्या होता है और सेंसर कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा सेंसर क्या काम करता है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं हम सेंसर क्या होता है। तो सेंसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि भौतिक राशि को मापने का कार्य करता है। भौतिक राशि कहने का मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, वाइब्रेशन, मोशन, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिससे हम उसको मेजर करना बहुत आसान होता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, सेंसर बोलते हैं। इसमें से पहला सेंसर है आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर में आपको दो आई दिख रहा होगा, एक्चुअली में एक ट्रांसमीटर है और दूसरा रिसीवर है। इस अल्ट्रासोनिक सेंसर में आपको चार पिन दिखाई देंगे। एक पहला VCC जिसमें 5 वोल्ट पावर सप्लाई देंगे, GND जिसमें ग्राउंड सप्लाई देंगे हम, और एक ट्रिगर पिन होगा। जैसे ही ट्रिगर आपका ट्रिगर पिन हाई होगा, यहाँ से एक अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होगा और ये किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वहां से रिटर्न आएगा और वो सीधा हमारे रिसीवर में आएगा। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज हम बहुत जगह कर सकते हैं, जैसे कि कोई डिस्टेंस मेजरमेंट करना है या रडार सिस्टम बनाना है हमको, तो इस सब चीजों में हम अल्ट्रासोनिक सेंसर का। नेक्स्ट है हमारा रेनड्रॉप सेंसर। रेनड्रॉप सेंसर का यूज हम रेन को डिटेक्शन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे ही इस प्लेट पे आपका पानी पड़ता है, ये आपका एक्टिवेट हो जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम इसका यूज करके एक अलार्म बनाए हुए हैं कि जैसे उसमें पानी पड़ेगा आपका अलार्म क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा MQ2 सेंसर। ये एक्चुअली में गैस सेंसर्स होते हैं जो कि स्मोक को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। नॉर्मली इसका यूज करके जैसे हम लोग फायर अलार्म वगैरह बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। नॉर्मली आप लोग देखे होंगे जैसे बैंक हो गया, ATMs हो गया, वहाँ पे एक या ऑफिस हो गया वहाँ पे क्या लगा रहता है, एक अलार्म लगा रहता है। जैसे ही आपका स्मोक आता है, कोई धुआं उड़ता है, तो तुरंत आपका अलार्म बजने लगता है। तो वो MQ2 सेंसर का यूज करके हम उस टाइप के अलार्म को बना सकते हैं। और जितने भी गैस सेंसर आते हैं उसको सब MQ सीरीज में हम लोग डिवाइड किए हैं। जैसे नेक्स्ट सेंसर है MQ5 सेंसर। MQ5 सेंसर का यूज नॉर्मली LPG गैस, नेचुरल गैसेस या मैथेन जैसे गैसों को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंसर है MQ6। MQ6 सेंसर का यूज हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम, ब्यूटेन, प्रोपेन, LPG गैस को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंसर है MQ7। MQ7 सेंसर का यूज हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंसर है MQ8। ये भी एक गैस सेंसर होता है और इसको हाइड्रोजन गैस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेंसर है MQ9। इसका यूज हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और मेथेन जैसे गैसेस को डिटेक्ट करने के लिए और मेजर करने सेंसर है MQ135 है। MQ135 सेंसर का यूज हम लोग एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंसर है जॉयस्टिक मॉड्यूल। जॉयस्टिक मॉड्यूल का यूज आपने बचपन में जरूर किया होगा, चाहे ये गेम खेलने के लिए या रिमोट कंट्रोल गाड़ी चलाने के लिए। ये इस सेंसर में आपको दो पोटेंशियोमीटर मिल जाएगा जो कि एक्स और वाई डायरेक्शन में होता है। मतलब आपका रोबोट को अगर आगे करना है या पीछे करना है, लेफ्ट करना है या राइट करना है, तो इसके लिए हम लोग जॉयस्टिक मॉड्यूल का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंसर है LM35। LM35 का यूज हम टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। इस LM35 में आपको तीन पिन दिख रहे होंगे। पहला आपका पावर सप्लाई देंगे और जो बीच वाले पिन है वहां से आउटपुट हमें मिल जाएगा, और लास्ट वाला पिन को ग्राउंड पिन से हम कनेक्शन करेंगे। नेक्स्ट सेंसर है IR सेंसर। IR सेंसर का पूरा नाम इंफ्रारेड सेंसर होता है। इस सेंसर मॉड्यूल में हमको दो लाइट मिल जाएंगी। एक आपका व्हाइट कलर की LED दिखाई दे रही होगी और एक ब्लैक कलर की। एक्चुअली में जो व्हाइट कलर का रहता है ये आपका ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। सेम आपको डेली लाइफ में जो TV के रिमोट्स होते हैं उसके फ्रंट पोर्शन में आपको लाइट दिखाई देगी, सेम प्रिंसिपल यहाँ पर भी इसका भी होता है। ये ट्रांसमीटर आपका यहाँ से सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा या कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है या उससे टकरा के आपका रिसीवर सेक्शन में आपका रिसीव हो जाएगा वो सिग्नल, और उसको हम एनालाइज कर सकते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट है ब्लूटूथ मॉड्यूल। ब्लूटूथ का यूज तो आप सभी ने किया होगा, जैसे आप मोबाइल में डाटा को शेयर करने के लिए करते हो, उसी टाइप से अगर हम इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को किसी रोबोट या किसी डिवाइस में लगा दे तो हम उसको अपने मोबाइल के थ्रू ब्लूटूथ से कनेक्ट करके उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं।
नेक्स्ट सेंसर है आईआर टेम्परेचर सेंसर। इस सेंसर का पूरा नाम GY906MLX90614 नो कॉन्टेक्ट इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर है। इस सेंसर का यूज बिना टच किए टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हैं। इसका यूज अभी करेंटली थर्मल स्क्रीनिंग के लिए किया जा रहा है। उसी टाइप से हम इसका यूज करके प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि विदाउट टच किए हम लोग टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हैं इसका यूज करके। नेक्स्ट है PIR सेंसर। PIR सेंसर का पूरा नाम पैसिव इंफ्रारेड सेंसर होता है। ये नॉर्मली मोशन सेंसर होता है जो कि मोशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये ह्यूमन एंड एनिमल्स जो भी जिसका भी मोशंस रहता है उसको सेंस करने का काम करता है। इसमें एक लेंस लगा रहता है जो कि पूरे इंफ्रारेड्स को केंद्रित करने का काम करती है और वो सीधा सेंसर को देता है। इसका यूज करके हम लोग PIR सेंसर का यूज करके हम लोग ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि जब हम रूम में इंटर करें तभी हमारा लाइट्स ऑन हो और जैसे ही हम रूम से बाहर जाए तो हमारा लाइट ऑफ हो जाए। इस टाइप से बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोग PIR सेंसर का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है LDR मॉड्यूल। इस LDR मॉड्यूल में जो मेन कंपोनेंट होता है वो LDR का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। मतलब इस रेजिस्टेंस की जो रजिस्टिविटी है वो टोटली डिपेंड करेगा लाइट के ऊपर। जब तक इस रेजिस्टेंस में आपका लाइट पड़ते रहेगा तब तक इसकी रजिस्टिविटी लो रहेगी। उस टाइम यहाँ से करंट फ्लो होते रहेगा और जैसे ही आपका लाइट ऑफ हो जाएगा इसकी रजिस्टिविटी हाई हो जाएगी और इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इस LDR मॉड्यूल का यूज करके हम स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर और बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा RFID मॉड्यूल सेंसर। इस सेंसर में एक RF रीडर होता है और एक टैग रहता है। ये एक्चुअली में सिक्योरिटी सिस्टम की तरह यूज कर सकते हैं। इसका यूज करके हम लोग जैसे आप लोग देखे होंगे मॉल्स या कपड़े के दुकान में कपड़े में एक टैग लगा रहता है और डोर के पास आपका ये रिसीवर जो लगा रहता है। आप जैसे ही बिना पेट किए आप अगर डोर के पास चले जाते हो तो तुरंत जो इससे अलार्म कनेक्टेड है वो बजने लग जाते हैं। तो एक्चुअली में इसका वर्किंग को समझते हैं। एक्चुअली में RF जो रीडर रहता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करते रहता है और जैसे ही टैग उसके उसके संपर्क में आता है आपका बजर एक्टिवेट हो जाता है। इसका यूज हम लोग नॉर्मली सिक्योरिटी सिस्टम के लिए डोर लॉक करने के लिए और बहुत सारी चीजों में। हमारा कलर सेंसर। कलर सेंसर एक ऐसा सेंसर होता है जो कि कलर्स को डिटेक्ट करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल के लिए एक रोबोट बनाए हैं जो कि बहुत सारे कलर्स के अलग अलग प्रोडक्ट रखे हुए हैं। अब वो रोबोट उस कलर के हिसाब से रेड कलर के प्रोडक्ट को अलग रखेगा, ग्रीन कलर के प्रोडक्ट को अलग रखेगा, ब्लैक कलर के प्रोडक्ट को अलग रखेगा, इस टाइप का काम करेगा। तो ये आपके कलर सेंसर के थ्रू पॉसिबल है। नेक्स्ट सेंसर है नॉक सेंसर। नॉक सेंसर बेसिकली वाइब्रेशन या शॉक को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि इसमें एक स्प्रिंग लगा रहता है। जैसे ही आपका वाइब्रेशन होता है ये आपका स्प्रिंग मूव करने लग जाता है और इसी के अकॉर्डिंग हम इसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्मिस्टर टेम्परेचर सेंसर। ये एक टाइप से टेम्परेचर सेंसर होता है जो कि टेम्परेचर को सेंस करने का काम करता है। इसमें मेन जो कंपोनेंट होता है वो है थर्मिस्टर जो कि टेम्परेचर को सेंस करने का काम करता है। नेक्स्ट सेंसर है कैपेसिटिव टच सेंसर। ये नॉर्मली एक टच सेंसर होता है। जैसे ही हम इस सेंसर को टच करते हैं अगर इससे हम लोग लोड कनेक्ट किए हैं तो ये ऑटोमेटिक वो लोड को ऑन कर देगा जैसे ही हम इसको टच करेंगे। नेक्स्ट सेंसर है वाटर फ्लो सेंसर। वाटर फ्लो सेंसर का यूज हम वाटर कितने अमाउंट से फ्लो हो रहा है किसी पाइप में या कितना उसका रेटिंग है उसको हम लोग मेजर करने के लिए वाटर फ्लो सेंसर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है IR फ्लेम सेंसर। ये नॉर्मली फ्लेमिंग को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहले पहुंच सके। सेंसर है हमारा लाइन फॉलोवर सेंसर। लाइन फॉलोवर सेंसर का यूज करके हम एक रोबोट बनाते हैं और उस रोबोट को एक लाइन खींच देते हैं और वो उसी लाइन पे अगर चलना चाहिए तो वो हम लोग लाइन फॉलोवर अगर सेंसर यूज करते हैं तो वो रोबोट उसी लाइन पर ही फॉलो करेगा। नेक्स्ट सेंसर है मेटल डिटेक्टर्स। ये मेटल की बनी हुई वस्तुओं को डिटेक्ट करने का काम करता है।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए ताकि सारे स्टूडेंट सेंसर के बारे में जान सके। और कौन सा सेंसर आपको अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।